स्नेक रिलीफ फाउंडेशन ने एक बार फिर सांप से उत्पन्न हुई दहशत को कम किया है। मामला दुर्ग के टिकरापारा का है, जहां रात के 1 बजे शैलेंद्र विश्वकर्मा के घर में सांप देखा गया और पूरे परिवार में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। तभी परिवार के एक सदस्य ने स्नेक्स रिलीफ फाउंडेशन के राजा कुमार को संपर्क किया। राजा कुमार सूचना मिलते ही तत्काल उनके घर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू कर पकड़ा गया। विश्वकर्मा परिवार ने राजा कुमार का धन्यवाद किया। राजा कुमार ने जानकारी दी है कि रिलीफ फाउंडेशन का प्रयास रहता है कि सांप के प्रति लोगों के डर को खत्म किया जाए। फाउंडेशन लोगों से अपील करता है कि घर में यदि सांप हो तो उसे मारे नहीं बल्कि स्नेक रिलीफ फाउंडेशन के राजा कुमार से संपर्क कर जानकारी दें। खाना खा के निकले तो बताया फूफा और बुआ है, बताया कि बेटा ऐसा ऐसा बात है ऐसा करके, तो हम लोग दौड़े। दौड़ने के बाद आपको सूचना नहीं फिर के पानी पिलावे तो 10 से 15 मिनट नहीं बोलना चाहते हैं होने वाला रात के 1 बज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप अपने टाइम में आए। स्नेक रिलीफ फाउंडेशन संस्था राजा कुमार, रात के 1 बजे मैंने सांप रेस्क्यू किया दुर्ग के पिपरा पारा। आज इसे हम जंगल में रिलीफ करने आए हैं। प्रैक्टिकल कोबरा से न्यूरोटॉक्सिन का जहर होता है, ये जिस किसी को भी काटे सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, अन्यथा ओझा गुनी के चक्कर में ना रहे, नहीं तो जान चले जाएगी।